वेलकम नाइन्थ क्लास। आपको मैंने एक टेस्ट दिया था जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था कि कैसे हुआ ये क्वेश्चन या फिर समझ नहीं आया, तो उसको आज हम इस वीडियो के थ्रू देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ चेंज होना क्या कहलाता है? वेलोसिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, सेकंड, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इंडिकेट्स दैट इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव है तो इट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव इट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। और अगर वेलोसिटी सेम है, कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ये डी ऑप्शन ठीक होगा एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग में। एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी ऑप्शन है इसका, बहुत अच्छे से बताया हुआ है, एक्सेलरेशन की यूनिट को अलग से एक्सप्लेन किया था एक्सेलरेशन के टॉपिक में, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये होगा ऑप्शन बी, थर्ड का आंसर है बी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट कैन बी सेट दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद। जब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाई दे रहा है तो आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। ठीक है, आपको एक ग्राफ के लिए मैं 3-4 क्वेश्चन लेकर आऊंगी अलग से, जिसमें कि आपको ग्राफ से रिलेटेड एक्सपीरियंस कराया जाए कि आप ग्राफ को रीड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इट मीन्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकेंड नहीं, लास्ट ऑप्शन होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम देखते हैं तो उसके हिसाब से जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? वो होता है स्लोप। ठीक है, वो क्या होता है? स्लोप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये मैं जरा सा आपको इस पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लेते हैं इस तरह से हमने ड्रॉ किया है इसको। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है, यहाँ वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ है। तो इसका जो स्लोप होगा, चाहे स्लोप आपका ऐसे हो चाहे स्लोप आपका ऐसे हो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है। ये किस चीज को शो करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? एक्सेलरेशन को ये शो करता है। ठीक है, ये चीज पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 5 में, जो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द बॉडी इज मूविंग विद। देखिए, अब आपको क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, ग्राफ से, ये जो ग्राफ है इसको आपको देखना है और बताना है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या समझ पा रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। अब देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, जब आपका टाइम 0 सेकंड था, 0 सेकंड टाइम था, तो आपकी इनिशियली 0 थी वेलोसिटी, तब टाइम आपका 5 सेकंड हुआ तो आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, टाइम 10 सेकंड था तो आपकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, when time is 15 the velocity is 30 meter per second and so on, when time is 25 second the velocity is 50 meter per second। okay, so क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर वेलोसिटी आपकी जैसे टाइम 5-5 सेकंड से इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी आपकी 10-10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रही है। तो एक्सेलरेशन क्या होगी आपकी? वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। जीरो एक्सेलरेशन तो कब होता है? जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, साफ दिख रहा है। जीरो एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि आपका एक्सेलरेशन जीरो जब होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज कर रही है। वेरिएबल एक्सेलरेशन जब होता है, जब वेलोसिटी का कोई पैटर्न ना हो इंक्रीज या डिक्रीज करने का, बट यहाँ पर एक पैटर्न आपको दिख रहा है, इंक्रीज कर रही है विद द सेम रेट, तो क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसका आंसर हो जाएगा। 6th का हो जाएगा सी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, अब इसमें 7th क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी
ड्यूरिंग इंटरवल फ्रॉम 10 सेकंड टू 20 सेकंड। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, 10 सेकंड टू 20 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया गया है 10 से 20 सेकंड्स के बीच में। तो आपको ध्यान होगा जब मैंने कराया था आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसके अंदर बताया गया था डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, द एरिया अंडर द कर्व। अब यहाँ पर देखिए 10 टू 20 सेकंड्स, 10 टू 20 कहाँ, यहाँ से लेकर आपका 20 पर होगा ये। ठीक है, तो ये कर्व कितना हो गया आपका, ये कर्व है ए से ई, कर्व के नीचे का पूरा एरिया, मतलब कि एक तरह से ए बी सी ई वाला पूरा एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा आपका, यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। वो डिस्टेंस मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। यहाँ पर आपके एक तरह से दो फिगर हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लिख सकते हैं एरिया अंडर की ग्राफ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ए बी सी ई, क्योंकि हमें निकालना है 10 टू 20 सेकंड्स के बीच वाला एरिया, टोटल नहीं निकालना है, पूरे ग्राफ का नहीं पूछा है, सिर्फ इतने टाइम पीरियड में पूछा है। ठीक है, इतने टाइम पीरियड में देखेंगे कि कर्व के नीचे कितना एरिया आ रहा है। तो यहाँ पर दो शेप दिखेंगी, एक तो ट्राइंगल है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वेयर, स्क्वेयर ही है ये आपका, क्योंकि ये 20 सेकंड्स इधर है और यहाँ पर भी ये 10 है, ये रेक्टेंगल आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल में बेस कितना है यहाँ पर, ए डी, जो कि कितना है 10 टू 20 सेकंड्स, इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू हाइट कितना है डी टू ई, ये सामने देखिए डी टू ई हो जाएगा आपका 20। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पर लेंथ कितनी है देखिए 10 टू 20 10, ब्रेथ इज 20, 10 इंटू 20। ओके, सो हेयर वी विल गेट 10 एंड वी विल गेट 100 फ्रॉम हेयर एंड 200, दैट इज 300, यहाँ पर मीटर में हम आंसर देंगे 300 मीटर, 300 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर 300 ऑप्शन है, 300 will be the answer, the distance covered between 10 to 20 seconds. तो ये वाला एरिया हमने कैलकुलेट कर लेना है। आगे समझ में? At the point A, the body is at a distance of. अब क्या पूछा है? A point पर कितने distance पर है? ठीक है, यहाँ पर distance की बात की गई है, but आपको यहाँ पर क्या क्या given है? A point पर देखो time कितना है 10 seconds और A point पर velocity कितनी है 20. निकालना क्या है आपको? Distance. Distance क्या होता है? देखिए डिस्टेंस लिख लेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। ए पॉइंट पर स्पीड कितनी है वो देख लीजिए, यहाँ से ए पॉइंट पर स्पीड कितनी है 20 और ए पॉइंट पर टाइम कितना है 10, तो 20 इंटू टेन दैट इज 200 मीटर। यहाँ पर ए पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा आपका, 200 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा डी 200 मीटर। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द पॉइंट बी, बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, बी पे आपका टाइम 10 सेकंड है, इस पे सीधा जाइए स्लोप पर, देखिए ग्राफ्स को, यहाँ से यहाँ देखेंगे कितना है आपका ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, तो आंसर विल बी सी 20 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव। ठीक है, वही क्वेश्चन है आपका, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका क्या देता है। ठीक है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक बार मैं आपको ड्रॉ करके याद दिला देती हूँ, जैसे कि ये आपका डिस्टेंस होगा जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस और इधर टाइम ग्राफ, जो स्लोप होता है ये इस तरीके से, तो
वो क्या आपका इंडिकेट करता है, ये आपका स्पीड को इंडिकेट करता है। अभी ग्राफ आपका इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका ग्राफ इस तरीके से भी हो सकता है, या ग्राफ आपका इस तरीके से भी हो सकता है। तो आपको नॉर्मल बताया नहीं गया कि स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, कर्व है, बट सिंपल ये बोला कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, या ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका अगर होता तो वो क्या शो करता है, उसका स्लोप, वो स्पीड को शो करता है। आपको यूनिफॉर्म होगी नहीं होगी हम कन्फर्म नहीं है इस चीज़ के लिए, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड गलत ऑप्शन है, इसका आंसर होगा स्पीड। Now let's see an example of a body moving with constant speed but still accelerating is, तो इसका आंसर आपको पता है, मैंने डिस्कस किया हुआ वीडियो में इसके बारे में भी, कि कॉन्स्टेंट स्पीड हो बट एक्सलरेटिंग हो, तो कब होगा ऐसा, जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो। अ बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ में क्या होता है, आपकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो वो एक्सलरेटिंग है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बाकी में स्ट्रेट रोड है उस पर कॉन्स्टेंट स्पीड से, तो स्ट्रेट रोड पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेटिंग नहीं होगी, क्योंकि उसकी स्पीड भी कॉन्स्टेंट है और उसकी डायरेक्शन भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। रेलवे ट्रैक भी स्ट्रेट लाइन है, कॉन्स्टेंट स्पीड है, थर्ड ऑप्शन में भी उसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, यहाँ भी स्ट्रेट पाथ है और कॉन्स्टेंट स्पीड है, यहाँ भी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेटिंग नहीं होगी, तो फर्स्ट केस बनेगा व्हेन सर्कुलर पाथ। डिस्टेंस कवर्ड बाय, 12th क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से डिस्टेंस ये है, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो ये आपका स्लोप होता है उसके नीचे का जो एरिया होता है, एक तरीके से ये हमें इस पॉइंट पर निकालना है कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, या फिर मान लेते हैं इस टी टाइम पर हमें निकालना है कितना डिस्टेंस कवर्ड किया गया होगा, तो हम यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो एरिया अंडर दी कर्व क्या शो करता है, डिस्टेंस को, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एरिया अंडर दी ग्राफ, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एरिया अंडर दी ग्राफ, डी ऑप्शन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। उसके बाद आगे आ जाइए 14th क्वेश्चन, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट मूव्स विद, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा आपके लिए समझने वाली चीज है, समझ आ जाएगी। क्या कह रहे हैं, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के, स्क्वायर के। अब अगर मैं इसमें केस लेती हूँ, इफ आई पुट इफ टाइम इक्वल टू वन, वन सेकेंड पुट करती हूँ, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा वन। इफ आई पुट टाइम इक्वल टू टू, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी टू स्क्वेयर, दैट इज फोर, ओके। इफ आई पुट टाइम इक्वल टू थ्री सेकेंड्स, ओके, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी थ्री स्क्वेयर, दैट इज नाइन। ये केसेस बना दिए मैंने आपके सामने तीन, ठीक है। अब आपको यहाँ पर हम निकालते हैं वेलोसिटी, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर आपकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इस टाइप के ऑप्शंस है, तो आपको इसमें आपको वेलोसिटी एक बार कैलकुलेट करें, तो इस केस में वेलोसिटी क्या आएगी आपकी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट वन है, टाइम भी वन है, तो क्या आएगी ये वन। यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कितनी आएगी, फोर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट फोर है, टाइम टू सेकेंड, दैट इज टू मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी निकल कर आ रही है, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, नाइन अपॉन थ्री, तो क्या हो जाएगा ये, थ्री मीटर पर सेकेंड। अब आप देख रहे हैं वेलोसिटी हर सेकेंड इंक्रीज कर रही है, हर सेकेंड कितना इंक्रीज कर रही है, वन मीटर पर सेकेंड से, मतलब एक ही रेट से इंक्रीज कर रही है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है इस केस में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होती तब ये सेम आता हर बार, तो हर बार सेम तो नहीं आ रही है, वन मीटर पर सेकेंड तो नहीं आ रही है हर केस में, अलग आ रही है, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यस दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये केस क्या है आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, एक ही रेट से चेंज हो रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। डिक्रीज कर नहीं रही है वेलोसिटी, डिक्रीज करती तो यहाँ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कुछ होता है, इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन जब होता है जब आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज करती, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन वन मीटर पर सेकेंड है हर केस में, ठीक है।
ओके, व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड अप्लाइज ब्रेक्स एंड ड्रिंक्स द कार टू रेस्ट इन 20 सेकंड्स देन रिटार्डेशन विल बी। ये अच्छा क्वेश्चन था, कई बच्चों ने किया है बहुत अच्छे से और कुछ एक ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी इसमें, तो देख लेते हैं। व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड अप्लाइज ब्रेक्स एंड ड्रिंक्स द कार टू रेस्ट इन 20 सेकंड्स, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। एक तो आपको टाइम गिवन है, टाइम कितना है इसमें 20 सेकंड्स, ठीक है। जो स्पीड गिवन है, कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि इनिशियल स्पीड है या आपकी फाइनल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, तो क्या कह रहा है, ब्रेक अप्लाई करे तो रेस्ट पर आ गए, इट मींस फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बाद में पहले वो मूविंग थी, इट मींस जो गिवन है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, आ गया समझ में। इसमें रिटार्डेशन बताना, रिटार्डेशन में फॉर्मूला तो एक्सेलरेशन का ही लगता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है जीरो, और यहाँ पर आपका इनिशियल कितना है 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस 10 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। इतना डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ओके, अब देखिए 16th क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स 100 मीटर आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन 10 सेकंड इट्स एक्सेलरेशन इज, ठीक है। अब इसके अंदर आपको देखो क्या बता दिया गया है, एक्सेलरेशन पूछ लिया गया है और वेलोसिटी बिल्कुल भी गिवन नहीं है। मोस्ट वेटेड क्वेश्चन है ये बच्चों के लिए, क्योंकि उनको प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको टाइम है एक्चुअली जो गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से इसके अंदर मैं आपको लिख रही हूँ, टाइम गिवन है, टाइम कितना है देखिए, टाइम आपको 10 सेकंड्स गिवन है, टाइम 10 सेकंड्स, और डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं तो वो 100 मीटर है, और बाद में क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ट्रेवल 100 मीटर आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, इनिशियल विल बी जीरो मीटर पर सेकेंड, एक तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछा है एक्सेलरेशन, ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, आपको डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, तो इसकी स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। इनिशियल तो गिवन है, तो फिर फाइनल स्पीड हमारी यहाँ से आ जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी, हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कि इसकी फाइनल वेलोसिटी ये होगी 10 मीटर पर सेकंड। इसमें आपको प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स इतना ही कैलकुलेट करके छोड़ दिया है और 10 मीटर पर सेकंड ही आंसर दे दिया है, ये प्रॉब्लम थी। बट आपसे पूछा है इसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अब आप निकालेंगे, वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल 0 है, डिवाइडेड बाय 10, टाइम कितना है 10, सो यू विल गेट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन नहीं है, आप लोगों ने ये एक्सेलरेशन निकाल के दिखा दिया, और ऑप्शंस में भी था, ऑप्शन में था नहीं, बट आपने 10 लिख दिया है 10 मीटर, और फिर कहते हैं कि ऑप्शंस गलत है, ऑप्शन गलत नहीं है, आपने इसको ठीक से सोचा नहीं क्वेश्चन को। नाउ अंडर द वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच एज द यूनिट, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आपका वीटी ग्राफ के नीचे जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या होती है, वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होती है, जिसकी ऐसा यूनिट क्या है मीटर, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। आज नेक्स्ट 18th क्वेश्चन पे, गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट, देखिए वेलोसिटी और टाइम के बीच में जब स्ट्रेट लाइन होता है तो इसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद द सेम रेट, सो यहाँ एक्सेलरेशन इज, एक तरह से आपका एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ओके, यहाँ है नहीं एक्सेलरेशन का, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होगी जब यहाँ पर ऐसा ग्राफ होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन किया है बहुत से बच्चों ने, यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब डिस्टेंस टाइम के बीच में ग्राफ होता, ठीक है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ओके, क्योंकि यहाँ हर टाइम वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, चेंज कर रही है, ठीक है ना, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक ही वेलोसिटी होनी चाहिए। इसी केस में अगर आपसे यूनिफॉर्म मोशन पूछ ले तो कैसा ग्राफ बनेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का जो कभी भी ग्राफ आप देखेंगे वो डिक्रीज करता होना चाहिए, इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये दो केस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, रिटार्डेशन में आप बिल्कुल कट कर देंगे, ठीक है, हमेशा डिक्रीज करता हुआ दिखेगा, क्योंकि
डीएक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, रिटार्डेशन का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर आपका आ रहा है डिक्रीज होने का साइन और यहाँ पर, बट आपसे पूछा यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेशन, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म ये है यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर्व लाइन, यूनिफॉर्म के लिए हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, वही जो मैं आपसे ऊपर डिस्कस कर रही थी वही आ गया वापस से, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन आपका ये होगा क्योंकि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए और यहाँ पर वेलोसिटी आपकी कॉन्स्टेंट है। ओके, ये 20th क्वेश्चन था आपका, मुझे लगता है अब आपके डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। ओके, थैंक यू क्लास।